अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम शॉप डैशबोर्ड को विज़िट करेंगे। शॉप डैशबोर्ड में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और इसके अलावा हम शॉप की सेटिंग के सेक्शन को विज़िट करेंगे, वहाँ पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम अपना शॉप अकाउंट लॉगिन करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर डैशबोर्ड नज़र आ रहा है। डैशबोर्ड में अगर हम जाएँ तो सबसे पहले हमारे पास ऊपर ये कुछ स्टैट्स नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले जो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास प्रोडक्ट्स के स्टैट नज़र आ रहे हैं। सेकंड हम इस पर अगर क्लिक करेंगे ऑर्डर्स पे तो ये मंथ वाइज ऑर्डर की आपके स्टैट्स आपको नज़र आ रहे हैं। थर्ड आपका रेवेन्यू के आपके स्टैट्स हैं और फोर्थ जो है वो आपके विड्रॉ के स्टैट्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आपको ऊपर फिल्टर दिया गया, आप इसको मंथ वाइज या लाइफ टाइम वाइज इसको आपको स्टैट्स को फिल्टर करके चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे अगर हम नीचे देखें तो हमारे पास यहाँ पे रीसेंट विड्रॉज नज़र आ रही हैं। तो जो भी रीसेंट विड्रॉज होंगी जो आप वो आपको यहाँ पे शो रही होंगी। इसके अलावा अगर आप तमाम विड्रॉज को विज़िट करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करके विड्रॉ सेक्शन को विज़िट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ओवरऑल एक डैशबोर्ड पे चीज़ें अवेलेबल थी। अब हम चलते हैं अकाउंट सेटिंग, शॉप सेटिंग की तरफ। अगर हम शॉप सेटिंग में जाएं तो नैव बार के अंदर हमें यहाँ पे पहले शॉप का लिंक नज़र आ रहा है, उसके बाद नीचे शॉप सेटिंग है। सबसे पहले शॉप पे क्लिक करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि शॉप पे क्लिक करने से हमारे पास ऊपर सबसे पहले हमारे पास शॉप की डिटेल शो हो रही है। शॉप का नेम क्या है, उसका सेलेक्ट क्या है, उसका SKU क्या है और कौन कौन सी कैटेगरीज हमने शॉप क्रिएशन के वक्त सेलेक्ट की थी। और इसके अलावा अगर हम मज़ीद कैटेगरी यहाँ पे शॉप में ऐड करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी हम कैटेगरी सिलेक्ट करके सेव करेंगे वो हमारी शॉप में ऐड हो जाएंगे, उन कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स भी हम ऐड कर सकेंगे। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे हम अपना एड्रेस एडिट कर सकते हैं, शॉप ईमेल एडिट कर सकते हैं, फ़ोन नंबर एडिट कर सकते हैं और आप अपनी शॉप की डिटेल जो है वो उसको एडिट कर सकते हैं, आप अपलोड कर सकते हैं। अगर तो मिसिंग है, अगर तो ऑलरेडी अपलोडेड, यहाँ पे ये ऑप्शन शो नहीं हो रही होगी। इसके अलावा अगर इसके बाद आप अपना लोगो अपडेट कर सकते हैं, शॉप बैनर आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको दो बैनर नज़र आ रहे हैं। एक शॉप बैनर है जो कि वेब पेज के लिए है, दूसरा आपके मोबाइल पेज के लिए है। तो यहाँ पर आप दोनों बैनर्स अपलोड कर सकते हैं और बैनर की यहाँ पे डायमेंशन अवेलेबल हैं, इन डायमेंशंस के मुताबिक आप बैनर अपडेट कीजिएगा तो वो बेहतर तरीके से आपकी शॉप पे नज़र आएंगे। इसके अलावा सेकंड हमारे पास सेटिंग की टैब अवेलेबल है। सेटिंग में अगर हम जाएं तो जैसे कि आप देख रहे हैं सबसे पहले हमारे पास एनालिटिक्स का टैब है। एनालिटिक्स के टैब के अंदर हम अपना गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक का कोड हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ताकि हमारी वेब जो शॉप का पेज है वो गूगल के अंदर रैंक हो सके और हमारी प्रोडक्ट्स की डिटेल भी गूगल के अंदर हमारी शॉप के रिलेटेड ऐड हो सके। तो यहाँ पे हम गूगल वेब मास्टर का जो है लिंक है, जो स्क्रिप्ट है वो यहाँ पे ऐड करके सेव पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। इसमें सेकेंड स्टेप आप देख रहे हैं कि साइट मैप URL टू गूगल। यहाँ पे सेकंड स्टेप में हमारा ये एक साइट मैप का URL हमें ऑलरेडी बना के दे दिया गया है, ये भी हमने वहाँ पे गूगल सर्च कंसोल के अंदर जाके सबमिट, आपको SEO में बेनिफिशियल होंगे। तो और इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट अगर सेक्शन में जाएं तो ये हमारे पास डाउनलोड डाटा की ऑप्शन है, जिसमें हमारे पास हम अपनी शॉप का जो है ना वो डाटा कुछ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं और ऑर्डर्स हम CSV फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोज शॉप का टैब। अगर आप किसी रीज़न की वजह से अपनी शॉप को क्लोज करना चाहते हैं तो आप इस टैब पे जाके अपनी यहाँ पे रीज़न एंटर करके रिक्वेस्ट शॉप को क्लोज कर सकते हैं जी। तो इसमें हमने ये देखा कि हमारे पास शॉप डैशबोर्ड में कौन कौन सी ऑप्शन अवेलेबल हैं और शॉप सेटिंग में जो जो ऑप्शन अवेलेबल थी हमने उन तमाम को विज़िट किया। शुक्रिया।